नमस्कार, कैसे हैं आप? राम हमारे आदर्श हैं, उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और रामायण हमारी आत्मा का ग्रंथ है, परम आस्था का प्रतीक। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाया था तो देश भर में कर्फ्यू सा माहौल हो जाता था। लोग टीवी के सामने रामायण के पात्रों को राम समझकर सिर नवाते थे। 35-37 साल बाद भी जब रामानंद सागर के रामायण के पात्र राम अरुण गोविल कहीं निकलते हैं तो लोग उन्हें राम की तरह ही पूजने लगते हैं। आज भी रामायण के हर पात्र जिन्होंने खुद को उसी रूप में जी लिया क्योंकि जनता ने उन्हें वही मान लिया, ये आस्था है राम और रामायण के प्रति। लेकिन आदिपुरुष एक फिल्म आई, उसने पूरी तरह से चोटिल कर दिया। लोग तिलमिला गए जो यह सोच करके भी देखने गए थे रामायण का स्वरूप है आदिपुरुष, वो तिलमिला गए हैं। सिनेमा हॉल से बाहर आते ही वो कराहने लगे हैं। सवाल उठने लगा है कि देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इसे रिलीज कैसे होने दिया, इसे सेंसर से स्वीकृति कैसे मिल गई। लेकिन हमने 8 महीने पहले 6 अक्टूबर 2022 को सतीश जी के संग हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया था, इसके टीजर पे सवाल उठाया था, इसके पट कथा लेखक राष्ट्रवादी आवरण ओढ़े मनोज मुंतेश्वर पर सवाल उठाया था कि इस ढोंगी ने कैसा षड्यंत्र किया है। इस वाकपटुक ढोंगी के को लेकर के हमने और सतीश जी ने जो 8 महीने पहले 6 अक्टूबर 2022 का विश्लेषण किया उसे आज सुनने की जरूरत है। यदि उसी समय उस विश्लेषण के बाद ही सरकार ने इस पर इसके टीजर देखते ही इसके सेंसरशिप पर रोक लगा दी होती तो आज लोग चोटिल नहीं होते। हमने किन किन सवालों को उस दौर में उठाया था आपको एक बार जरूर उसे देखना चाहिए। एपिसोड लगभग आधे घंटे का हम आपको दिखाएंगे, उसका पूरा विश्लेषण देखिए कि 8 महीने पहले कैसे हमने इसका पोस्टमार्टम किया और यह बताने की कोशिश की कि मनोज मुंतेश्वर गैंग और अदालत लगाने वाले संपादकों का स्वरूप ने कैसे इसके टीजर का महिमा मंडन किया। आज ये करोड़ों की कमाई कर रहा है, लेकिन इसके खेल पर हमने सवाल तभी उठा दिया था। सबसे पहले आप जरा इस एपिसोड को फिर से सुनिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? लगातार बायकॉट झेल रहे बॉलीवुड ने क्या राष्ट्रवादी चोला उठाकर आपके बीच किसी सियार को भेजकर भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश का एजेंडा चला है? क्या राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी क्या अपने नायकत्व के अभाव को झेल रहे हैं कि जिस किसी को भी राष्ट्रवाद का डमरू बजाते देख लेते हैं उनके चोले के अंदर के सियार को पकड़ नहीं पाते? मनोज मुंतेश्वर अब मनोज शुक्ला हो गया है। लगभग कुछ दिनों से राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीट रहे मनोज मुंतेश्वर उस फिल्म का संवाद लिखा जिसे लेकर लगातार राष्ट्रवादी उत्तेजित हैं, एग्रेसिव हैं, गुस्से में हैं। सोचिए, उस फिल्म का संवाद आपके राम का चरित्र हनन करना, आपके प्रभु हनुमान जी का चरित्र हनन करने का षड्यंत्र किसने किया, इन सब चीजों को लेकर के एक गलती तो मुझसे भी अभी हुई कि हमने एक जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का महिमा मंडन अभी 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले किया, खेल कुछ और निकल कर आया। तो क्या हम लोग शिकार हो जाते हैं? इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सीधे सतीश चंद्र मिश्र जी के साथ जुड़ते हैं लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बॉलीवुड के को लेकर के पूरे देश में एक गुस्सा है, जिस बॉलीवुड को ये माना गया कि इसने हिंदी में एक मैसेज माहौल बनाया कि भारत में भारत की राष्ट्रभाषा को सम्मानित करने, भारतीय कल्चर को मजबूत करने, दुनिया में भारत कोई की एक छवि बनाने में बॉलीवुड ने बड़ी भूमिका निभाई, अपने मुंह मियां मिट्ठू करते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से
इस सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे आपके जैसे लोगों ने जब इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो समझ में आया कि 70 के दशक में सलीम जावेदों की जोड़ी से लेकर आज तक ये खेल जारी है। यूसुफ खान की मजबूरी थी दिलीप कुमार बनने की, अजित खलनायक और खलनायक दोनों को नाम बदलने का, मजहब बदलने का खेल था। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण मनोज शुक्ला कब अपने बाप के दिए शुक्ला को बंगाल अरब सागर में फेंक कर मुंतशिर बन गया। उसकी मजबूरी रही होगी, लेकिन सवाल किसी एक मनोज मुंतशिर का नहीं, भय इस बात का है कि उस मनोज मुंतशिर को कुछ ही महीनों में राष्ट्रवादियों ने सर पे बिठाया, उसमें अपना आदर्श, उसमें अपना नायक ढूंढने निकला। आज उस मनोज मुंतशिर ने अपने सोशल मीडिया में ये कहा है कि हमारा नाम आप लोगों की इच्छा पे अब मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गया है। और उस फिल्म, जिस फिल्म की भी चर्चा करते, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म को की संगीत पे उसी का काम है। जरा ये एक वीडियो से ही हम शुरुआत कर लेते, फिर आपसे आएंगे तफसील से, विस्तार से हम समझ पाएंगे कि मनोज मुंतशिर ने किस षड्यंत्र के तहत इस फिल्म आदि पुरुष का महिमा मंडन किया है कि इसमें सब राम भक्त हैं। वो तैमूर का बाप जिहादी सैफ अली खान, करीमाना कपूर का पति भी ये राम भक्त है। जरा इसको सुन लीजिए, तब हम आगे समझ पाएंगे कि षड्यंत्र इसका क्या है। मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता ये है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। और कौन श्री राम? सर्व बुराई के 10 हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिसपे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी, ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा। हे रघुनंदन, अब क्या शंका, मार दे रावण, जीत ले लंका, जय श्री राम। ये तो गजब का जमूरा निकला सर। हो सकता है इसके पास कुछ शब्द हो, लेकिन इस तो गजब का जमूरा निकला। कभी हम भी इससे बहुत प्रभावित हो गए थे। इस जीवनी जमूरे के लिए क्या कहेंगे? इसे लोग राष्ट्रवादी मानते हैं, हिंदुत्ववादी, ये परम राम भक्त, ये कह रहा है कि आदि पुरुष में सब राम भक्त हैं। बॉलीवुड ने क्या राष्ट्रवादियों के बीच इस सियार को भेजा है एक बड़ी योजना के तहत? क्योंकि हम तो बड़ा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, कोई राष्ट्रभजन गाने लगे, कोई हिंदुत्व की बातें करने लगे, तो हमें लगता है अपना आदमी है। क्योंकि हम अभाव झेल रहे हैं, हम बॉलीवुड में अपने लोगों को तलाश रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। गुलशन कुमार के बाद हमें कोई मिल ही नहीं रहा, तो ये सियार क्या जानबूझ करके हमारे बीच भेजा गया? मनीष जी, मुझको हंसी आ गई। मैं अभी अब बात इनकी बात पे कभी आता हूँ। जब आपने जमूरा कहा, मैं अपनी बात यहीं से शुरू ही करने वाला था। ये सड़क छाप तुकबंदी मदारियों की तरह कर रहा था, जो गा रहा था। सड़क छाप तुकबंदी मदारियों की तरह गा रहा था। सही शब्द आपने दे दिया, जमूरा। तो ये नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मनीष जी, हमारे यहाँ बुजुर्गों एक कहावत कह गए हैं, मैं तो पता नहीं कितनी पुरानी कहावत है, कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को जो छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इन दिनों ये यही काम कर रहा है। ये एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। आज मनीष जी मैदान में उतरी ये जोड़ी, ये और इसका जो निर्देशक है, इसने वो लिखे संवाद, लिखे डायलॉग, और जो डायरेक्टर ओम राउत, ये आज उतरे मैदान में। और फिर देखिए, वही कालेमियों का जिक्र हो जाए कि इसको सबसे बड़ा मंच प्रदान किया उसी अदालत लगाने वाले संपादक ने। घंटों इंटरव्यू, घंटों। तो वो उसका सुनने मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं यूट्यूब पर जब उसको अलग काट के उन्होंने इस पे वो डाला, तो मैं उसको सुना। मैंने तो देखो क्या कह रहे हैं ये। और मनीष जी, इनकी बातें सुनने के बाद दर्शकों से बता दूं कि अब कोई अनुमान का अवसर ही नहीं रह गया, या अनुमान की कोई संभावना नहीं है। अब इनके मुख की ही बात मैं बता रहा हूं कि इनके इरादे क्या है।
मनीष जी, अगर हम लोगों ने जो पहले इससे पहले वाला कार्यक्रम किया था जी आदि पुरुष पे, तो मैंने जरा कहा सर था एक ये लाइन मैं चाहता हूं कि इस पे हो जाए, उसके बाद ये क्योंकि भ्रम दूर हो जाए। ये उसी के सोशल वार्ड, उसी का ट्विटर और फेसबुक पे उसने डाला है कि आपका आदेश था मेरे नाम को पूर्णता मिले, आज विजय लक्ष्मी के शुभ दिन पर ये आदेश शिरोधार्य करता हूं, जय श्री राम, मनोज मुंतशिर शुक्ला। ये अब शुक्ला हो गया। मनी, हाँ, वो भाई ये इस पर मैं अभी बोलूंगा, इस पर मैं बोलूंगा अभी, वो जिस संदर्भ में बोलूंगा वहां इसका जिक्र करूंगा मनीष जी। अभी जो बात मैं कह रहा था क्या कि हाँ, कि एक झूठ को बोलने के लिए सो, जो उस दिन मैंने कहा था कि ये मनीष जी ये रामायण को मिटा देने का षड्यंत्र है, ये रामायण को मिटा देने का षड्यंत्र है, भगवान राम की पहचान को मिटा देने का षड्यंत्र है, और एकदम एक नया कंसेप्ट दे देना है इनको कि हजारों वर्ष से प्रत्येक हिंदू के मन में जो भगवान राम की छवि बनी हुई है उस छवि को ध्वस्त कर देने का षड्यंत्र है, और आज इस बात को इन्होंने स्वयं अपने मुंह से कबूला। अब कुछ उसके लिए गवाही की या उसके ढूंढने की आपको जरूरत नहीं, बताता हूं मनीष जी, मैं नोट कर रहा था इनके आए, वो पहला जरा सुनिए, ये मनोज मुंतशिर कह रहा था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये आप लोगों का क्लेम है, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जरा सुनिए, ये खुद कह रहा था कि भगवान राम ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, ये तो आप लोगों का क्लेम है, आपने ये क्लेम कर दिया। मनीष जी, भगवान राम ने तो कभी ये भी क्लेम नहीं किया था कि मैं भगवान हूं, तो कर हराम खोर लंपट ये भी कहेंगे कि भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तो ये तो आपका क्लेम है, ये उसी पे आ जाएंगे जो जो गजवाए हिंद और उनका जो छिपा हुआ एजेंडा है कि भगवान, ये आपको ध्यान होगा 2007 में ये यूपीए की सरकार यही तो कह के आई थी कि ये काल्पनिक के कोई भगवान भगवान नहीं, ये सब तो काल्पनिक मनगढ़ंत अफवाहें हैं, उस चीज को भी ये छाती ठोक के कह रहा है कि भगवान राम ने कभी क्लेम ही नहीं किया था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हालांकि अपने इंटरव्यू में कम से कम 20 दफे इसने मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा, कही ये तो आपका क्लेम है, लेकिन उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया था, ये इसलिए कह रहा था क्योंकि उसमें उनको भगवान राम को जो जंगली रूप इसने दिखाया है, तो पहला पहला है था। दूसरा इसका बनी जी बयान था, जरा गौर करिए, और मैंने कहा ना कि अदालत लगाने वाले संपादक ने पता नहीं कितनी दलाली खाई है कि वो जो बैठा ली थी इससे सवाल पूछने के लिए, वो सवाल पूछने के लिए नहीं बैठा ली थी, एक महिला भाण बैठा ली थी कि जब ये कुछ कहे तो वाह 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 करता, जैसे नौटंकी में होते ना, एक सामने रंडियां नाचती हैं और सामने बैठे हुए दर्शक को दारू के नशे में धुत होकर, और रंडी जो भी असली हरकत करती है तो वो वाह 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 करते हैं, कुछ वही नजारा मुझको आज इस मंच पे लग रहा था। मनीष जी, जरा दूसरा क्लेम सुनिए इसका कि भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा क्यों था, भगवान राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा था, जरा इसकी भी व्याख्या सुन लीजिए। ये बता रहा है कि भगवान राम ने शिव का धनुष इसलिए तोड़ा था क्योंकि वो शस्त्र नहीं शांति का संदेश देना चाहते थे, जरा ये इसने नई क्या व्याख्या बात निकाली उतर कि करने की, भगवान क्या राम बात भगवान भगवान राम ने शिव का धनुष इसलिए, यानी मनीष जी किसको किसको कटघरे में खड़ा करना था, ये मूर्ख, यानी भगवान राम जो शिव, मतलब वो भगवान शिव का विरोध कर रहे थे, वो शिव का धनुष था, वो शिव का धनुष था, और उसको तोड़ के, मतलब एक तरह से विरोध जताने के लिए उन्होंने वो शिव धनुष तोड़ा, तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी, रात भर अगर बात करूंगा इसको तो रात भर कर सकता हूँ, तो जरा सोचिए जी, ध्यान सुनिए, मैं इनके इन्हीं के बयानों पे बात कर रहा हूं कि भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ के शस्त्र नहीं शांति का संदेश दिया था। मनीष जी, ये दूसरा षड्यंत्र आपको बता रहा हूं, बहुत सोचे समझे तरीके से, जो है ना कि जैसे एक महात्मा गांधी ने एक संदेश दे दिया था अहिंसा का, अहिंसा का कि मतलब बिल्कुल कोई मार रहा हो तो मार खाओ लेकिन मारो मत, वैसे ही कही है कि भगवान राम भी कहते थे शांति रखो शस्त्र का संदेश नहीं था, उन्होंने इसीलिए शिव का धनुष तोड़ दिया था, ये संदेश दे रहे हैं मनीष जी। इनके मैं अभी एजेंडे पे आ रहा हूँ, इसके बाद आ जाइए कि जब इससे पूछा गया कि ये गेटअप में जो उनकी पादुका की जगह चप्पलें मूछे दाढ़ी ये सब क्यों आ गया, तो इसने बताया कि वाल्मीकि के रामायण में लिखा है, और वो जो ओम राउत था, ओम राउत, जरा उसका जवाब सुनिए मनीष जी। कह ऐसा है कि जिस समय रामानंद सागर जी ने बड़ी वो बनाई थी रामायण, तब तो हम लोग यूथ थे, और उसमें उन्होंने जो दिखाया कि एक तीर चला तो उसे एक तीर से 10 तीर निकले, फिर 10 तीर से 100 तीर निकले, 100 तीर से 1000 तीर निकले, तो ये जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग ये अमेजिंग इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ा, और हम लोग बिल्कुल इससे अभिभूत हो गए कि
तो हमको उस समय वो नई चीज लगी, क्योंकि यूथ को वो पसंद आ रही थी, टेक्नोलॉजी पसंद आ रही, मतलब इनको रामायण नहीं पसंद आ रही थी, इनको टेक्नोलॉजी पसंद आ रही थी। तो क्या इसीलिए अब जब हम आए हैं, अब हम जिस जनरेशन में हैं, तो हमको रामायण के बताने के लिए, तो अब यूथ की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी जरा सोचिए कि अब रामायण में कोई दिलचस्पी नहीं, तो अब हमने उसके लिए एक नई वर्चुअल भाषा, वो विजुअल भाषा उनके लिए तैयार की, क्योंकि आज का यूथ जो है वो हैरी पॉटर देखता है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखता है और दो तीन ऐसे और उसमें ऊटपटांग नाम बताए कि वो है देखता है। तो अब हमने भगवान राम को यूथ को, यूथ की, आज के यूथ को, उसके यूथ उसकी भाषा में रामायण बताने का, सुनाने का प्रयास किया। यानी अब ये भगवान राम को हैरी पॉटर बना के पेश करेगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बना के पेश करेगा, ये इसने अपने मुंह से आज कहा है, ये कोई उसके शंका की वो नहीं है। और मनीष जी इनका जरा बयान सुनिए। हाँ, और उसी में इसने कहा कि इसीलिए अंगद, सुग्रीव और जामवंत और नल, नील, ये सब जो वानर सेना को रोका गया, तो आपने कार्टून बना दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आज का यूथ जो है, जब वो वीर की कल्पना करता है तो वो हैरी पॉटर, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो नाम उसने गिनाए देखता है, तो हमने इनको आज के महावीरों के रूप में प्रस्तुत किया। सीधे सीधे मनीष जी वही है ना कि जो हजारों वर्ष की छवि बनी है, उस छवि को ध्वस्त किया है, उस छवि को ध्वस्त किया। और मनीष जी जो सबसे ज्यादा दाढ़ी मूछ पे बोले कि जो हनुमान जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है, राम भगवान राम की दाढ़ी मूछ है, तो क्या एक तो वाल्मीकि में लिखा है और दूसरे अब हमने ये दिखाया कि भाई जब वो 13 वर्ष का वनवास था तो उनके बड़े बड़े बाल हो गए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, मूछे हो गई थी, इस वजह से, तो हमने उस हिसाब से उनको वो रूप दिया है। और रामायण में उल्लेख है कि जब वो राज उनका राज तिलक हो रहा था तो उनके बाल काटे गए, केश काटे गए, वो तैयार किया गया, तो हमने वो दिखाई, हमने सच्चाई दिखाई। अभी मनीष जी इसका बड़ा प्रमाण देता हूँ, इसका कहना तो इसके हिसाब से 13 बरस तक भगवान राम के ना बाल कटे थे ना दाढ़ी बनी थी, यानी वो बड़े 10 फुट की हो गई होगी। अगर दाढ़ी 13 बरस तक ना बने तो 10 फुट की दाढ़ी हो जाएगी, बाल पता जमीन को छू रहे होंगे। ये किसको मूर्ख बना रहा है, ये किसको मूर्ख बना रहा है, ये जो राम सेना तैयार करके समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, वो दाढ़ी बाल बना उनको बनाने के उनके पास साधन नहीं था, उनके पास ये तो मतलब मनीष जी मैं क्या बताऊं कि कुतर इनके जवाब देना पड़ रहा है। वो आम मानव थे और उसका एक अभी प्रमाण बताऊंगा, लेकिन ये इनके पहले इनके कुतर्क सुन लीजिए, इसलिए मैंने उनको वो रूप दिया जो आपको उसमें दिखाई दिया है। और उसके बाद मनीष जी मनोज शुक्ला वो कहे, देखिए स्वामी अरविंद कहे गए हैं कि 3 पीढ़ी तक अगर कोई संस्कृति, 3 पीढ़ी या आप अपनी संस्कृति से अगर 3 पीढ़ी दूर हो जाते हैं तो फिर वो संस्कृति मर जाती है। और कहे मैं अब 3री पीढ़ी में हूँ और मेरा बच्चा राम के बारे में नहीं जानता है, तो मुझे उसकी भाषा में रामायण बतानी पड़ रही है, मुझे भगवान राम को उसकी भाषा, उसकी बात मतलब भाई हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग के रूप में इसको भगवान राम बताने पड़ रहे हैं। अरे मनोज मनोज मुंतशिर, भगवान राम का कब का काल कोई इसका वो नहीं है, हजारों साल कहूँ, लाखों वर्ष कहूँ, और बीच का जो ज्ञात है वो 500-600 सालों का मुगलों का वो, तब नहीं भगवान रामायण बनी, रामायण नहीं मर गई, रामायण की संस्कृति नहीं मरी, आज भी लोगों के रोम रोम में राम है। अब तुम 3 पीढ़ी में भगवान राम को हैरी पॉटर बनाने लगे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाने लगे, शर्म करो भाई। मैंने कहा झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मनीष जी जरा इसके बाद का जवाब देता हूँ। मनीष जी जो ज्ञात इतिहास है जिसमें एक आदमी ने भगवान राम को प्रत्यक्ष देखा है, भगवान राम और लक्ष्मण को और हनुमान जी को प्रत्यक्ष देखा है और उनपे उंगली नहीं उठ सकती, वो है तुलसीदास गोस्वामी, तुलसीदास। जिन मूर्खों को ना हो तो बनारस में संकट मोचन का हनुमान मंदिर है, जरा उसकी कथा पता कर लीजिएगा। वो मनीष जी वो प्रतिमा तुलसीदास जी द्वारा ही स्थापित है और उसकी उस प्रतिमा की स्थापना के बाद उन्होंने ही हनुमान जी से पूछा कि कहाँ मिलेंगे प्रभु, तो हनुमान जी ने उनको दिया। तो वो जो दुआ है ना कि पंचवटी के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन रख रहे तिलक करे राम रघुवीर, तुलसीदास चंदन की से राम तिलक करे रघुवीर। तो मनीष जी ये वो घटना है और उस घटना में जो जिक्र किया है तुलसीदास जी ने
तो इनके हिसाब से तो क्योंकि 13 वर्ष वो बनवास में रहे तो दाढ़ी मूछ आ गई थी, बाल बड़े हो गए थे। तो जब तुलसीदास ने दर्शन किए भगवान राम के, तो भगवान राम लाठी आठी लेके चल रहे होंगे, बुढ़े हो गए होंगे वो। तो इसके इसके कुतर्कों के हिसाब से मनीष जी उसमें ना, तो दो सुंदर राजकुमार, दो सुंदर राजकुमार जो पहली बार दर्शन हुए तो तुलसीदास जी समझ ही नहीं पाए। जब दोबारा दर्शन दिए तो दोबारा जब उनको आभास हुआ तब वो है कि वो ये इनको सूझा कुछ नहीं, तो चंदन के भगवान राम ने तुलसीदास का तिलक किया है। और उसका जो वर्णन किया है तुलसीदास ने कि बालक, दो सुंदर बालक, दो सुंदर राजकुमार। तो मनोज मुंतशिर तुम तुलसीदास के भी बाप हो गए, कितना पैसा खाए हो दलाली के लिए, कितना पैसा खाए कि 13 बरस भगवान राम को तुमने राक्षस बना दिया, क्योंकि वो बनवास, वो 13 बरस वनवास में रहे थे तो राक्षस हो गए थे। ये पढ़ाने की कोशिश जो मनीष जी कर रहा है, मैंने कहा वो ये पूरी एक वो है, एक पहचान मिटा दो, एक नई पीढ़ी जो है उसको ये बताओ कि भगवान नाम हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह था। ये मैं नहीं कह रहा, अब ये आज इसने खुद कबूल दिया जो मैंने 3 दिन पहले कहा था, ये पहचान मिटाने का है। क्यों अच्छा, एक फिल्म से मनीष जी को फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब एक फिल्म को इस तरह से सफल करेंगे तो आगे 10 फिल्में और ऐसी बनेंगी, क्योंकि तो पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है इसलिए। और हाँ मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आगे बात करूं, कि आज मनीष जी वो बात क्लियर हो गई कि अभी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया है, क्योंकि इसने कहा कि अभी, इसने कहा कि अभी है तो हमारा वो 1.5 मिनट का वो बनी है टीजर बना है, और अभी तो हमने फिल्म के फाइनल कट नहीं किए। जब फाइनल कट नहीं किए तो सेंसर बोर्ड कहां से आ गया, तो अभी तो फाइनल कट इस फिल्म के हो रहे हैं, इसके बाद ये सेंसर बोर्ड में जाएगी। तो आज ये फिर चेतावनी है। और ये अनुराग ठाकुर अब इस पे मतलब कोई बड़ी चोरी छुपे नहीं हो रहा, अनुराग ठाकुर की अग्नि परीक्षा है अभी मनीष जी, और वो सेंसर बोर्ड में बैठे लंपट कि खूब अच्छे से समझ ले कि अगर इस फिल्म को पास किया, इस फिल्म को दिखाने सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी, तो वो जो है वो दस्तखत जो है अपने सेंसर बोर्ड इसके फिल्म के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पे नहीं करेंगे, वो भाजपा का डेथ वारंट पे साइन करेंगे, भाजपा के राजनीतिक डेथ वारंट पे साइन होगा। ये अनुराग ठाकुर बहुत अच्छे से समझ लें सारा ये बात, अनुराग ठाकुर तक जानी चाहिए, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तक। हम ये मानते हैं कि बेहद गंभीर व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूं, इसीलिए उन पे उम्मीद है कि वो ऐसी गलती नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कह दिया है कि हम FIR करेंगे, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से निर्देश आ गए हैं, मगर इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और यदि इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं डेथ वारंट, डेथ वारंट है। एक लाइन में जोड़ देना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे चिरकुटों की टोली कह रहा है कि हम अपने बच्चे को हैरी पॉटर के रूप में समझाएंगे, पीढ़ियां गुजर गए सर, हर बाप ने रामलीला दिखाने के लिए अपने बच्चे को कंधे पर जिस रूप में देखा। आज नोएडा के जिस आधुनिक शहर में मैं बैठा हूं, वहां भी हमने अपने बापों को देखा है कि अपने कंधे पर बच्चों को बैठा करके। हमने भी अपने बेटे को, उसने याद दिलाया भाभी ने कल कि पापा 4-5 साल पहले आप भी मुझे कंधे पर लेकर के ऐसे ही रावण दिखाते थे ना, तो मुझे याद आ गई बात। कल भी हमने देखा सैकड़ों की संख्या में बाप अपने बेटे को कंधे पर, इस आधुनिक शहर में पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग में, गांव देहात नहीं है ये नोएडा जो है, गांव देहात नहीं है, और जिस जगह पे मैं रह रहा हूं अच्छी लोकृति है, मैंने सैकड़ों बाप को देखा कि अपने कंधे पर बेटा को बैठाए हुए, उसमें से कई IITian होंगे, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन भावना अपने राम के लिए वही है। हर दशहरा में हम वही रामायण देखने जाते हैं, हम वही नाटक देखने जाते हैं जो हमें पीढ़ियों से हमने देखी है। हमें पता है कि क्या हमें देखना है, फिर भी हम उसी भाव से जाते हैं देखने के लिए। रेलवे स्टेशन पे कहीं पर यदि अरुण गोविल या रामायण के पात्र दिख जाते हैं रामानंद सागर के, तो उसी भाव से महिला राम को प्रणाम, हम उसी भाव से ये देखते हैं कि आज राज्याभिषेक होना है। हमें पता है सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमारा भाव वही है। इन चिरकुटों को ये जो राम के नाम पर रोटी खा रहे हैं, इन्हें पता नहीं कौन सी गाली दी जाए। आज ये मनोज मंतशिर जैसे घृणित लोग राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए ये सौदा कर रहे हैं हमारी भावनाओं का, और मुझे लगता है कि ये बात दूर तलक जानी चाहिए। ये खतरनाक है, ये खिलजी के वंशजों से ज्यादा खतरनाक है, ये तैमूर के बाप से ज्यादा खतरनाक है, जिसने अपने बाप के दिए हुए नाम को शुक्ला हटा करके मंतशिर रखा, अब नौटंकी करने के लिए उसने फिर से शुक्ला जोड़ा है। मनीष जी आपने भावुक कर दिया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। दशहरे का जिस दिन रावण मिलता था तो मैंने कई दशहरे पिताजी के कंधे पे ही देखे, क्योंकि अथाह भीड़ होती थी,
मैंने तो बिल्कुल अपने सर, कंधे पे ही बिठा लेते देखो हो रहा है। और उसके अलावा मनीष जी, बनारस में जो रामलीला है वो एक दीपावली के बाद होती है, जाड़ों में होती, दिसंबर में ही होती थी। तो पंचगंगा घाट की रामलीला बड़ी मशहूर थी, तो मेरा घर ननियाल वहीं था, तो वहां पे नाना के कंधे पे बैठ के मैंने वो देखा है। तो आपने आज वो जिक्र कर दिया तो याद आ गई बचपन की। तो वही मनीष जी इन लंपटों को, मतलब देखिए ये पैसा इनके मुंह में भर दिया गया है, मगर मैं पहले उसी पे आ जाऊं जो अभी सेंसर बोर्ड की बात कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि उस पर दस्तखत अनुराग ठाकुर को नहीं होने हैं, अनुराग ठाकुर के दस्तखत नहीं होने हैं, लेकिन वो जो बैठे हैं सेंसर बोर्ड में, जिन्होंने पहले इस तरह की फिल्मों पर दस्तखत किए, तो अनुराग ठाकुर को अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी होगी अगर ये दस्तखत हो गए। और ये जो नाटक हो रही है, और मनीष जी इनके लॉबी समझ लीजिए, ये जो अदालत लगाने वाला संपादक दलाल, ये जब आज ये एक भी घंटा, राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए सर, ये हाँ विद्यार्थी परिषद का है ये। राष्ट्रवाद की खाल ये वैसे ही ओढ़े जैसे भेड़ की खाल भेड़िया ओढ़ लेता है, बहुत साफ है। तो ये सब लॉबिंग कर रहे होंगे उसके लिए कि इसका इसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाए। और दर्शकों से कहूंगा कि पूरी जोर लगा दीजिए कि इसको जड़ों में मट्ठा डाल दीजिए, इसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलना चाहिए। और अब इतना हल्ला मच चुका है, और इसके बाद भी अगर इसको सेंसर सर्टिफिकेट मिला तो फिर सोच लें भाजपाई। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये भाजपा हर शहर से भाजपाइयों को ऊपर दबाव पहुंचाना देना डालना चाहिए, ये संदेश देना चाहिए। तो मनीष जी आज तो इन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया कि इनका एजेंडा है क्या। अब आता हूं मनीष जी रामायण, एक अमर हो गई कृति, और उस कृति के बाद भगवान रामानंद सागर अमर हो गए, लेकिन जी जी श्रद्धा बिल्कुल क्या होती। मनीष जी रामानंद सागर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सन 70 से पहले ललकार फिल्म बना रहे थे, वो धर्मेंद्र की बड़ी हिट फिल्म है, तो वो इस तरह की फिल्में बनाते थे रामानंद सागर। तो कह मैं शिलांग में था, और वहां पे वहां से लोग कामाख्या के दर्शन करने लौटते समय, तो कामाख्या दर्शन करने गए, तो एक लड़की उनके पास दौड़ के आई, उसने कहा बाबा बैठे हैं तुमको बुला रहे हैं। तो कहा मैं गया कि बड़के लड़की बड़ी कन्या बड़ी तेजस्वी थी, 10-12 साल की। तो मैं गया तो बाबा ने कहा मुझको देखा, और वो देखते रहे। मैंने पूछा कि कोई आदेश दे या आपका कोई इच्छा हो बताएं, कहे वो कुछ बोले नहीं, केवल मेरा चेहरा देखते रहे, मैं प्रणाम करके चला आया। ये घटना हो गई, इस पर कोई बहुत उन्होंने महत्व नहीं दिया तब तक। 10 साल बाद ये कोहिनूर फिल्म बना रहे थे, तो ये लोग हर की पैड़ी पे उसकी शूटिंग कर रहे हैं। अचानक वहां पे पानी बरसने लगा, आंधी आ गई, तो इधर गंगा उफना रही थी, और उधर उधर मैदान में खुले आसमान के नीचे थे, एक दूर इनको एक आश्रम दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि पहले जाओ बाबा से पूछ लो क्या हम लोग आ जाए, तो वो नाराज हुए, लेकिन उनका किसी ने बताया कि रामानंद सागर है, तो उन्होंने बुलवा लिया। और वो साधु कौन थे, वो रामानुज स्वामी थे, और वो एटॉमिक साइंटिस्ट थे। वो वहां आश्रम बना के गंगा गंगा के पानी में कितनी एटॉमिक एनर्जी है इस पे वो रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने बैठाला इन लोगों को, चाय वाय पिलाई, और उन्होंने एकदम से रामानंद सागर से वो जो कामाख्या में 10 साल पहले की घटना हुई थी उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो रामानंद सागर चौंके कि इस आदमी को कैसे मालूम, 10 साल पहले कामाख्या में मेरे साथ बाबा मिले थे, ये घटना हुई थी। तो कहे मैंने पूछा तो कुछ बोले नहीं, वो हंस दिए। तो वहां से वड़के रामानंद सागर बद्रीनाथ, मैं बता रहा हूँ कि ये रामायण कितनी पवित्र चीज है, इस पर क्या प्रेरणा होती है। वो बद्रीनाथ के दर्शन करने गए, बद्रीनाथ के दर्शन करने गए, तो किसी साधु ने उनके हाथ में आके प्रसाद रखा, वो हाथ प्रसाद गिर गया, और जब तक वो उठाए उठाए तब तक एक साधु आया, उसने उठाया और वो खा लिया प्रसाद, और हंसता हुआ ये कुछ बोले वो गायब हो गया। तो दूसरा साधु इनसे बोला कि तुम कहाँ सिनेमा के चक्कर में पड़े हो, जाओ जाके टीवी के लिए रामायण बनाओ। तो ये अभिभूत ये ये भावना लौट के आगे, हाँ ये जरा सोचिए कहाँ क्या कौन सी शक्तियां काम कर रही थी। ये लौट के आ गए, ये जब फिल्म शुरू शुरू करने थे, इनके आर्थिक तंगी बहुत थी। तो एक दिन एक फिर साधु आया सवेरे इनके घर बम्बई, और उसने जब ये उससे मिले तो उसने कहा कि कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम, बनाओ कोई साथ, ये कहने तुम बना नहीं रहे हो, कहने ईश्वर का आदेश है, तुम उस आदेश का पालन कर रहे हो, तुम ये रामायण बनाओ, साथ कोई बाधा आधा नहीं आएगी। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास, वो आज भी इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है। तो जब इस तरह की फिल्में बनती हैं, इस तरह की
सीरियल बनते हैं तो उनके पीछे की ये प्रेरणा होती है। ये मनोज मुंतशिर जिसने फिल्म में अपना नाम जमाने के लिए, मनीष जी क्योंकि वहां पे जादी वुड चल रहा था, कराची वुड चल रहा था, इसने अपने बाप के नाम को छोड़ दिया, इसने अपने बाप के नाम को उसी बंबई के समुद्र में बहा दिया। और आज जब इसको कमाई करने की सूझी, इसको लगा कि अपने बाप के नाम से कमाई कर सकते हैं, तो ये विजयादशमी में ढोंग कर रहा है कि मेरे नाम के शुक्ला मेरे नाम के साथ जुड़ गया। पहले तुमने क्यों हटाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम मनोज मुंतशिर रखा था? नहीं रखा था, तुम मनोज शुक्ला के नाम से पढ़ते थे, तुम्हारा मनोज शुक्ला के नाम से सर्टिफिकेट है, लेकिन जब तुम बंबई में आए तुमने देखा कि ये जिहादियों का यहाँ कब्जा है, यहाँ दाऊद के इशारे पे काम मिलता है, तुमने अपने बाप को उसी बंबई के अरब सागर में बहा दिया, अपने बाप का नाम, पुरखों का नाम बहा दिया मनीष जी, वंश का नाम बहा दिया, और वो शुक्ला को समुद्र में बहा के इसने अपने नाम का आगे आधा मुसलमान बन गया है। उसी दिन बंबई में इसने अपने आप को आधा मुसलमान बना लिया। मनोज मुंतशिर बताइए किसने शुक्ला क्यों हटाया था? ये पहले ये खा इसको, इसके इसकी माँ की कसम, ये बताया कि अगर इसको बड़े बड़ा सच्चा है कि इसने अपने नाम के आगे शुक्ला हटा के मुंतशिर क्यों लिखा था? क्यों लिखा था? इसने दाऊद के इशारे पे लिखा था, दाऊद के चरण धोकर पीने के लिए लिखा था, पाकिस्तानी ISI एजेंसी के इशारे पे लिखा था, और आज इसने अपने उसी एजेंसी के इशारे पर मुंतशिर के आगे शुक्ला लगा दिया है। तो ये समझ लीजिए मनीष जी, ये इस टाइप के ढोंगी लोग ये अब उतर आए हैं मैदान में, भेड़ की खाल में भेड़िए, राष्ट्रवाद की भेड़ खाल पहन के ये भेड़िए ये अब आए हैं। मगर मनीष जी, भगवान राम से रावण नहीं टिक पाया उनके सामने, तो तुम तो रावण के पैर का नाखून नहीं हो मनोज शुक्ला, और जितनी तुम्हारी औकात है करके देखो, करके देखो तुम किस हश्र में पहुंचोगे, किस हश्र में पहुंचोगे। ये इसलिए भी जरूरी है कि ये लोग, ये जो मनोज मुंतशिर बना, अब ये राष्ट्रवाद का जब माहौल चला, सरकार बदली, तो ये मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गया। हो सकता है फिर सोनिया की मनमोहनी सरकार यदि आ जाए, नहीं मनीष जी, नहीं मनीष जी, मनीष मनीष जी, ये पहले मोहम्मद मनोज बन जाएगा, ये फिर मोहम्मद मनोज बन जाएगा, ये सोनिया की, सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही आदमी है ये, सोनिया गांधी की, बता तो रहा हूँ, ये पहले हिंदुस्तान को बताया कि इसने बाप का नाम, अपने वंश का नाम क्यों समुद्र में बहा दिया था? क्यों बहा दिया था इसने शुक्ला? क्यों नहीं ये मनोज शुक्ला के नाम से रहा? इसने मनोज शुक्ला से शुक्ला काटा और बंबई के अरब सागर में बहा दिया, नाम लिख लिया मनोज मुंतशिर, आधा मुसलमान हो गया। और आज जब इसको लगा कि अब ये बिकेगा, क्योंकि वह उस एजेंसी का, पाकिस्तान की ISI की एजेंसी का, कराची में बैठे दाऊद ने एक षड्यंत्र शुरू किया कि भगवान राम की पहचान मिटा दो, तो उस पहचान को मिटाने के लिए इसने फिर वो शुक्ला नाम अपने साथ जोड़ा है। क्यों इसने हटाया था? पहले यदि ये बताए हिंदुओं को, खासकर हिंदुओं को, कि तुमने अपने नाम के आगे से शुक्ला हटाकर मुंतशिर क्यों जोड़ा था? सर अब यहां से एक और चीज है कि क्या ऐसे मनोज मुंतशिरों की मजबूरी दाऊदगुड़ में हो गई? मेरा संपादक सनसनीबाज अपने नाम के अंदर, वो भी लगभग ब्राह्मण जाति का ही है, उसने अपने नाम के आगे अंजुम लगा लिया। मीडिया में ऐसी कोई लाचारगी तो थी नहीं, लेकिन हाँ वामपंथ का प्रयोग था। एक दौर में 70 के दशक में जब भारत विभाजित हुआ मुस्लिम हिंदू के नाम पे, तो फिर यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गया, वो मधुबाला पता नहीं क्या नाम था, वो अजीत आपको याद होगा, वो भी जिहादी कौम से था, वो अजीत बन गया। ये आपको इस रूप में ही से क्या मानते हैं कि क्या उस दौर में दिलीप कुमार, यूसुफ का दिलीप कुमार बनना, और आज के दौर में किसी शुक्ला जी का, एक उत्तर प्रदेश के एक कानकुज ब्राह्मण का मुंतशिर बन जाना, और फिर उसका इस एजेंडे के तहत हमारे ऊपर, देखिए ये सामान्य मामला नहीं है, ये हम कोई एक किसी, ऐसा नहीं कि किसी एक सामान्य मनोज मुंतशिर को हम इतना बड़ा बना रहे हैं। ये बहुत कई लोग कहेंगे, अरे इतना बड़ा इशू थोड़ी है, इशू है, क्योंकि वो एक भेड़िए के रूप में आपके मना मस्तिष्क में घुस रहा है कि सरस्वती का अवतार है, उसकी उसकी तुकबंदी बहुत लाजवाब है, वो राम भक्त है, और वो कह रहा है कि तैमूर के बाप को, वो जो टैगोर के बेटे को, कि वो राम भक्त हो गया। यदि राम भक्त होता तो करीना कपूर ऐसे भाव नहीं देते। मेरा मानना ये, हम लोग इस पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे सियारों से ज्यादा संभलना है। सैफ अली खान आमिर खान से ज्यादा ये खतरनाक क्यों है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये बॉलीवुड प्रभावित करता है, ये परसेप्शन का मामला है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि छोटा सा अखबार है सर, एशियन एज, 5000 कॉपी छपती थी उसकी, और हमें पढ़ाया जाता था कॉलेज में कि वो एशियन एज, वो इंडियन एक्सप्रेस,
रेलवे की बॉडी में मिलती है, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास में। लेकिन देश में सबसे ज्यादा बिके जाने वाला दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण का कोई प्रभाव नहीं होता। सोनिया गांधी टेलीविजन पे 9:30 बजे डिनर के साथ देखेगी तो टाइम्स नाउ देखेगी, इसीलिए उसके एंकर चाहे वो NDTV का प्रणय राय हो या दूसरे लोग उसे देखेगी। बदले दौर में वो सब हिंदीवादी हो गए, अब परसेप्शन यहां बदलता है। इसीलिए हमारा और आपका डिस्कशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है, इस भावना को समझना। कोई चिरकुट मनोज मंत्र इतना बड़ा नहीं हो गया कि हम और आप इसे डिस्कशन करेंगे। हमारा काम आगाह करना इस समाज को है कि इसके षड्यंत्र आपके राम के साथ छल हो रहा है, और कुछ भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने राम के साथ छल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यदि आज सोनिया की मनमोहनी सरकार गई है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी उस पाप के कारण जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दा करके, ये तिहारी चिदम्बरम ने कहा था कि राम और रामायण का वजूद नहीं है, राम इस देश की आत्मा में है। और हम और आप, मुझे लगता है कि पहली बार मैं अपने शो में भावुक हुआ हूं राम के नाम पर। आप भावुक हो गए क्योंकि आपके आपके पिता आपको याद आ गए जो आपको रामायण दिखाने ले जाते थे। हम और आप इतने दिन से सोकर कभी भावुक नहीं हुए सर, लेकिन राम हमारे लिए ये है। और इस भावनाओं के साथ यदि कोई मंत्रसर इस तरह से खेल रहा है तो माफ नहीं किया जा सकता उसे। नहीं नहीं मरीज जी, मैं अभी उसका भी जवाब देता हूं कि बड़ा और छोटा, कालनेमी की क्या औकात थी मरीज जी? हनुमान जी की एक एक गदा के प्रहार से उसके प्राण निकल गए थे, कोई बड़ा योद्धा भी नहीं था वो, एक ही गदा के प्रहार से उसके प्राण वही उसका खत्म खात्मा हो गया था। लेकिन उस कालनेमी को आज भी पूरा हर हिंदुस्तानी हर हिंदू बहुत अच्छे से जानता पहचानता, उसका जिक्र करता है, ये कालनेमी है। तो ये कालनेमी घूम रहा है हमारी राजनीति में, घूम रहा है, उसी कालनेमी घूम रहा है, ये उसी कालनेमी का वंशज है ये। तो ये इसलिए इसके छोटे बड़े की औकात की बात नहीं है, ये है इसका इसके ऊपर, क्योंकि ये अब एजेंडे पे उतर आया है, अब एजेंडे पर उतर आया है और ये बहुत खतरनाक एजेंडे पे काम कर रहा है। ये उसका एक तंत्र है, उसका चेहरा है उस एजेंडे का, उसके पीछे के लोग कौन है वो आप जो बहुत से लोग हम लोग उसी में डिस्कस भी करते रहते हैं, आप लोगों को उसका आइडिया है। तो ये चेहरा है, तो पहले मैंने कहा ना कि जैसे सांप का जो चेहरा होता है उसका फन होता है, हमेशा कहा जाता है कि फन को कुचलो, तो पहले तो इसको इसको धूर्त को सबक सिखाना है और ये आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले दिन बताएंगे। और इसीलिए हमारा मनीष जी एक और घटना का उल्लेख कर दूं कि क्या है रामायण का ना राम से बड़ा राम का नाम, एक और उल्लेख कर दूं, मैं पहले भी कर चुका हूं कि रामायण तो बहुत लोगों ने गाई है, लेकिन कभी मुकेश की रामायण सुनिएगा, वो उनकी अचानक उनका देहांत हो गया और चले गए तो पूरी नहीं गा पाए। मनीष जी उनका अंत कैसे हुआ था, डेट्रॉइट में अमेरिका में शो कर रहे थे, और ये बता दूं दर्शकों से कि रामायण का जिस दिन उन्होंने किया संकल्प किया था कि पूरी रामायण रिकॉर्ड करानी है, तो मुकेश शराब के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने शराब सिगरेट सब छोड़ दिया, सिगरेट नहीं पीते थे शराब पीते थे, उन्होंने सब त्याग दिया था, मांस खाना त्याग दिया था, जबकि वो कायस थे माथुर, उन्होंने वो भी छोड़ दिया था और वो पूरी तरह सात्विक हो गए थे, जब तक रामायण नहीं पूरी हो जाएगी मैं कुछ नहीं सेवन करूंगा, जरा सोचिए। और उसके बाद मनीष जी उनके बेटे का इंटरव्यू है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो वो मुकेश जी के अंत में वही उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि जब पापा के हृदय में सीने में दर्द हुआ तो मैंने कहा डॉक्टर बुलाए दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर मत बुलाओ, तुम एक काम करो मैं लेटा जा रहा हूँ और मेरी रामायण मुझको लाके मेरे सीने पर रख दो। जरा देखिए डेट्रॉइट अमेरिका में थे मुकेश, और क्या मैंने लाके दे दी, वो अपने सीने पर रख के वो लेट गए, जब तबीयत और ज्यादा खराब हुई डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो क्या भाव है रामायण के प्रति, क्या भाव है रामायण के प्रति, और मुकेश ऐसे कालजयी व्यक्ति के लिए। तो मनोज मुंतशिर तेरे जैसा सड़क छाप जाके भगवान राम की व्याख्या करेगा, उनको हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दिखाएगा, तो तेरे से आए काल के गर्त में चले जाएंगे, बहुत आए बहुत गए, लेकिन जो तुम कर रहे हो उसका दंड तो तुमको मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, और इसीलिए उद्देश्य था कि इशू भले कुछ भी हो, बॉलीवुड का षड्यंत्र हमें सचेत रहना है कि एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही है, और किस तरह से आमिर खान ने ये नेशनल अपने आप को नेशनलिस्ट अपने आप को भारतीय आवरण में वोट करके किस तरह से जो फिल्में बनाई, किस तरह से सनातन को चोटिल किया है, इसीलिए विरोध उस चीज का है कि स्क्रिप्ट तुम्हारी फिल्म का कुछ भी हो, तुम्हारा षड्यंत्र क्या है वो जब तक तुम सीख नहीं पाओगे। और कमाल की बात यह है कितना सब होने के बाद भी इसने इस तरह की फिल्म बनाई है, और आगे भी इस तरह की महाभारत बनाने की बात सैफ अली खान कह रहा है,
इसीलिए हमारा और आपका काम है कि 1% लोग भी सचेत हो गए हमारी बातों को सुनकर के दी, कुछ लाख में से तो हमारा काम सफल हो गया। 8 महीने पुराने हमारे विश्लेषण को देखने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया कि कैसे हमने अक्टूबर 2022 में जब ये टीजर रिलीज हुआ था हमने इस पे सवाल उठाए थे। अब जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी हुई है, सब कुछ सामने आ चुका हुआ है, रामायण के एक एक पात्र को चोटिल करने के लिए कोशिश की गई है, प्रभु राम को, सीता मां के चरित्र को कैसे उनको अर्धनग्न स्वरूप में दिखाया गया है, रावण को किस तरह से गजनी की औलाद के रूप में पेश किया गया जो प्रकांड विद्वान था, ये सामान्य मामला नहीं है। जिस समय अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, अथाह आस्था के प्रतीक हमारे प्रभु राम के प्रति हमारी निष्ठा जग रही है, उसी समय एक षड्यंत्र करा गया है राष्ट्रवादी आवरण ओढ़े मनोज मुंतशिर से एक पटकथा लिखाकर, ताकि हंगामा ना हो। इसमें नायक है जो खलनायक की भूमिका में है, वो रावण की भूमिका में है, सैफ अली खान। ये पूरा फिल्म एक सामान्य पटकथा नहीं, एक फिल्म नहीं, ये देश की सांस्कृतिक विरासत पर एक चोट है। आपको तस्वीर याद करनी चाहिए, जब अरुण गोविल आज भी सड़कों पर निकलते हैं तो कैसी उनकी आस्था है। अरुण गोविल ने दोबारा कोई ऐसा चरित्र नहीं अपनाया, रामायण के एक एक पात्र ने अपने आप को उसी रूप में जी दिया। महाभारत में भीष्म पितामह जो बने थे उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की क्योंकि लोगों ने उन्हें इसी रूप में मान लिया। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, उनके प्रति आस्था ऐसे ही नहीं है। जिसने कृष्ण की भूमिका महाभारत में निभाई उसने दोबारा कोई ऐसा रोल नहीं किया। इन सब ने अपने आप को आर्थिक रूप से चोटिल किया, लेकिन आम आदमी की आस्था चोटिल ना हो ये पूरा प्रयास किया। दीपिका जो सीता बनी थी उन्हें लोगों ने मां सीता मान लिया, तो उन्होंने जींस पहनना, अपने पोशाक को बदल लिया, जीवन शैली बदल ली। रामायण के एक एक पात्र ने अपनी जीवन शैली बदल ली। यही कारण है कि आज भी घर घर में उनकी तस्वीर उसी रूप में रखी गई है। तो सोचिए, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई उसकी इतनी अथाह आस्था आज लगभग चार दशक बीतने के बाद भी क्यों है, और क्यों ऐसा षड्यंत्र राम और रामायण के नाम पर की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसकी गंभीरता से लें और भारत सरकार को इसे अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। NIS इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि क्या भारत की आस्था, भारत की सांस्कृतिक विरासत को चोटिल करने के लिए जानबूझ करके खेल तो नहीं किया गया, इसकी फंडिंग कहीं भारत विरोध के लिए तो नहीं हुई। इसकी जांच बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।